बची हुई रोटी का नाम लेते ही सबका मुंह बन जाता है। अगर आप भी सोच सोच के परेशान हो गए कि इन बची हुई रोटियों का क्या किया जाए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसको खाने के लिए तो कोई मना ही नहीं कर सकता। और इसकी खास बात यह है कि बची हुई रोटियों से ये बनती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा और चटपटा भी रहेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से बनाते हैं हमारी रोटी का पोहा। मेरा नाम है कला और खाने की कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारी बची हुई रोटियां ले लेंगे। यहाँ लगभग मैं 4 से 5 रोटियां ले रही हूँ और इनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। पर ध्यान रहे कि हमें इन्हें बराबर पीसेज में काटने हैं, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। शायद हमने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि रोटी से भी इतना टेस्टी पोहा बनता है। सच मानो ये पोहा सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से इनको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे और अब इसको रख देंगे साइड में। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले थोड़ी फूल गोभी, एक टमाटर, एक आलू और 2-3 हरी मिर्च। सभी सब्जियों को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। यहाँ आप अपनी मनचाही सब्जियाँ कुछ भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मटर, जो भी आपको अच्छी लगे। और सभी सब्जियों को ऐसे बारीक काट लेंगे। गोभी को हम यहाँ निकाल लेंगे एक कटोरी में और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। इसी तरीके से हम हमारे सारे टमाटर भी काट लेंगे और ऐसे ही सारी मिर्चियाँ भी काट लेंगे। आप मिर्ची अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने लगभग 3 मिर्ची ली है। हमारी सारी सब्जियाँ तैयार है, अब जल्दी से लगाते हैं इसमें तड़का। अब सबसे पहले गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, और पैन में मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच राई और जीरा, और इसके तड़कते इसमें डाल देंगे हमारी हरी मिर्च, और अब डाल देंगे हमारे सारे आलू और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपको आलू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे लास्ट में सारे आलू पक जाएंगे। और इसी पॉइंट पर डाल देंगे हमारी गोभी ताकि वो भी अच्छे से पक जाए, और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और लगभग 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद में यहीं पर डाल देंगे हमारे टमाटर। ध्यान रहे हमें टमाटर बहुत जल्दी नहीं डालना, नहीं तो इसकी ग्रेवी बन जाएगी और वो हमें साबुत टमाटर नहीं मिल पाएंगे खाने के लिए। और अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। एक बार इसको और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ डालेंगे हमारे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ हम डाल देंगे हमारी सारी रोटी। ध्यान रहे हमें रोटियां भी इसी पॉइंट पे डालनी है। अगर आप रोटियां जल्दी डाल देंगे तो रोटियां कड़क पड़ जाएगी और उसमें वो पोहे जैसा टेक्सचर नहीं आ पाएगा। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे।
अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक सीक्रेट चीज और वो है दही। जी हाँ, दही की वजह से रोटियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाती है और उसमें वो जूसी फ्लेवर भी आ जाता है जिसे खाने में भी मजा आता है। तो लगभग यहाँ आधा कटोरी दही डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे यहाँ फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इस बार गैस को कर देंगे बंद ताकि इसके अंदर जो भाप है उसी से ही पकता रहेगा। और ये देखिए 2 मिनट बाद ही हमारा पोहा कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चाट मसाला इसको और चटपटा बनाने के लिए और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितना खिला खिला दिख रहा है हमारा पोहा। अब इसको करते हैं सर्व। और मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही के साथ। और ऊपर से डाल देंगे इसमें थोड़े से नमकीन। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखा आपने रोटी से भी कितना अच्छा पोहा बन सकता है वो भी कुछ ही मिनटों में। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। तो ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।